दोस्तों, बिग बॉस टीवी का एकमात्र ऐसा शो है जहां खूब मनोरंजन, लड़ाई झगड़े और कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। इस शो में हर साल अलग अलग कंटेस्टेंट नजर आते हैं जो अपनी हरकतों की वजह से जाने जाते हैं। इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर में एक कंटेस्टेंट है जिनकी काफी चर्चा हो रही है। वह अपने चुलबुले अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है मनीषा रानी। तो दोस्तों, आज की स्टार्स लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनीषा रानी की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। अगर आप मनीषा रानी के फैन हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका रियल नेम मनीषा रानी है और इनका निकनेम लवली है। प्रोफेशन से यह एक डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इनका जन्म 10 जून 1994 को मुंगेर बिहार इंडिया में हुआ था। आज 2023 के हिसाब से ये 29 इयर्स की हो चुकी है। बात करें अगर इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में, तो इनकी हाइट 5 फीट 3 इंच है। इनकी आईज का कलर ब्लैक है और इनके हेयर्स का कलर भी ब्लैक है। बात करें अगर इनके रिलीजन के बारे में, तो ये हिंदू है और इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। तो इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो इनके फादर का नाम मनोज कुमार है, इनकी माता जी का नाम ज्ञात नहीं है। मनीषा रानी जब 5th स्टैंडर्ड में थी, इनके पेरेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। मनीषा और इनके भाई बहन अपने पापा के साथ रहने लगे थे। इनके दो भाई हैं, जिसमें से एक का नाम रोहित राज है और दूसरे भाई का नाम ज्ञात नहीं है। इनके एक सिस्टर है जिसका नाम सारिका रानी है। बात करें अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो ये भी अनमैरिड है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। दोस्तों, मनीषा रानी जिस मुकाम पर है, उसके पीछे इनका काफी संघर्ष छुपा हुआ है। दोस्तों, मनीषा डांस में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, लेकिन इनको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला था। वहीं जब टिकटॉक का जमाना आया, तब वह अपने डांस के वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर डालने लगी थी। तभी उनका एक वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद इनकी किस्मत चमक गई। टिकटॉक बैन होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पर डांस के रील्स बनाना शुरू कर दिया। वह ठेठ बिहारी और भोजपुरी अंदाज में कॉमेडी वीडियोस डालने लगी, जिसके बाद इनके वीडियोस को काफी पसंद किया गया। मनीषा रानी कपिल शर्मा के शो के एक एपिसोड में भी दिख चुकी है। इस शो में कार्तिक आर्यन और सारा खान आए थे। तब भी मनीषा कार्तिक आर्यन के साथ भोजपुरी अंदाज में फ्लर्ट करती हुई नजर आई थी। साल 2019 के बाद इन्हें एमटीवी के एक सीरियल गुड़िया रानी सभी पर भारी में भी काम करने का मौका मिला था, लेकिन कोरोना के कारण ये शो बंद हो गया था। और अब साल 2023 में मनीषा रानी को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में एज ए कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री मिली और अपने बिहारी अंदाज से वह घर में रहकर काफी अच्छा गेम खेल रही है। और इसी साल इन्हें दुबई में आयोजित आईफा अवार्ड्स में भी जाने का मौका मिला था। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज के बारे में। तो इन्हें वीडियोस बनाने का सबसे ज्यादा शौक है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्क के बारे में। दोस्तों, मनीषा रानी की आय का स्रोत इंस्टाग्राम और टीवी शो है। वह इंस्टाग्राम पर प्रमोशन के लिए हजारों रूपए चार्ज करती है। सोशल मीडिया के अनुसार इनकी नेटवर्क 70 से 80 लाख रूपए के आसपास बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थी मनीषा रानी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।